नमस्कार दोस्तों, भाई जे के फोर जोया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आई हैं से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर यहाँ गोला कुआ है, फरीदनगर के पास पड़ता है। इन्होंने फोटो भेजा था तो इसलिए किसने था वो था कॉमन किराया। चलो देखते हैं, वो देखो इन्होंने यहाँ पर खाना वाना बना रहे थे, रसोई में है, इन्होंने गेट भी लगा रखे हैं। आइए लाइट दिखाओ, लाइट ला दो छोटे छोटे देखो, मट्टी भी लगा रखी है इन्होंने कि जो बाहर नहीं आए वो इसमें है। चलो देखते हैं, जो शायद बिल में बढ़ गया, वो देखते हैं कौन से बिल में बैठा तो नहीं है। फोटो तो भेजा था, कॉमन किराया दिया है और मुझे इसीलिए जल्दी आना पड़ा क्योंकि देखो बहुत खतरनाक होता है वो। आंटी चुप रहो, अभी 2 मिनट। दोस्तों देखो बिल बना रखा है इसके नीचे, वो शायद इसीलिए है। एक पानी ला देना, एक बाल्टी। घर में सफाई जरूरी है, देखो ये मेंढक है, इसी को खाने आए घरों में आते हैं सब, तो घर में सफाई जरूरी है। एक डिब्बा लिया, डिब्बा लेने ये निशाचर होता है, रात को ही निकलता है ये। तो बिल बना रखा है, चूहों के बिल में प्रवेश करता है। बहुत जरूर निकलेगा, अभी बोल रहे थे कि अभी तो थोड़ी देर पहले तक था पर अब ये बिल में निकल रहा है इसके नीचे। उधर और बाल्टी लाना है, पानी प्लास्टिक की बाल्टी है। हाँ भाई इसी के नीचे ही आता, ये बता रहे थे। ये रात को ही निकलता है, एक तरह ना भी चल रही हूँ उसमें चप्पल पार कर रहा हूँ। चप्पल पार चल रहा है, सभी पढ़ाना करेंगे। जवान हो जा रहा है, पानी।
से ही नहीं पानी, अगर बाप जाए वो अपना आप आ जाएगा। दोस्तों देखो कितना बड़ा वो बना रखा है, खाली कर रखा है नीचे से बिल्कुल। चूहे करता है, चूहे के बिल में ये प्रवेश करते हैं क्योंकि अपना बिल नहीं बनाते। दोस्तों इतनी मेहनत के बाद देखो कितनी गड्ढा खोदा है, पर सांप यहाँ नहीं, ये इधर देखो, इधर देखो, इधर यही है वो यमराज। दोस्तों ये है कॉमन किराद जो नाइट में निकलते हैं रात को, और यही एक वो है जिसे निशाचर बोलते हैं, ये रात को निकलता है और सबसे जहरीला सांप यही है हिंदुस्तान का। नाक तो है पर नाक से भी जहरीला है। हाँ जी, पांच गुना जहरीला है ये। नाक नहीं है का? नाक नहीं है जी, नाक ना है, नाक नहीं है। और इसकी खासियत ये है जहाँ पर इंसान रहते हैं ना वहीं जाता है, आराम से लेटता है वो, इसे नमी को पसंद है। अगर ऐसा सांप किसी को काटे तो झाड़ फूस के चक्कर मत पड़ना कभी भी, क्योंकि इसमें इतना जहर होता है, झाड़ फूस काम नहीं करता, सीधा हॉस्पिटल पहुंचना, वही एक इसका इलाज है। झाड़ फूस उसे तो बचा लेते हैं जो बिना जहर वाले होते हैं, जैसे धामन हुए, पानी वाला हुआ, उसे तो बचा लेते हैं। पहले जी से तो कर लो, वो तो चलो बिना जहर वाला, ये तो खतरनाक है, पहले इसको कर लो। बैग में से डिब्बी वो निकाल, बोलो मत बताओ,
दोस्तों ये ऐसी बात में नहीं आएगा, अभी लास्ट चारा हमारा यही बचा है, जब नहीं जा रहा है लास्ट चारा हमारा यही है। आप ऐसी कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसे में हादसा होता है। आपको भी मत करना क्योंकि ऐसे में हादसा होता है, और इसे हम ले जाएंगे इसके वातावरण में, क्योंकि हमारा काम है इनको बचाना। भूख बहुत जहरीला होता है, अगर ऐसा सांप काटता है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना, किसी झाड़ फूस के चक्कर मत पड़ना। चलते हैं, मिलते हैं, इसको कर देंगे इसको रिलीज। दोस्तों करते हैं इसे जंगल में रिलीज। देखो ये वही है जो अभी रसोई घर में पकड़ा था, चला जाएगा। देखो दोस्तों हमने कर दिया जंगल में रिलीज, और ऐसे ही हम बेजुबानों को बचाते रहेंगे। बस अपना प्यार बनाए रखें। अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ऐसे ही हम जीवों को बचाते रहेंगे। मैंने तो अपना काम कर दिया, अपना काम कर दें। धन्यवाद।